नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज सुल्तानपुर जिले के जो जिला पंचायत की तरफ से संचालित गौशाला है, अमहट में स्थित है, हम वहां मौजूद हैं। जैसा कि आपको बता दें, अभी हाल ही में पशुधन मंत्री जो धर्मपाल सिंह है, उनके तरफ से काफी कुछ घोषणाएं भी की गई है कि निराश्रितों को कोई भी सामान्य आदमी भी चाहे या एनजीओ के जरिए चाहे तो अपनी देख रेख की व्यवस्था कर सकता है, उसको सरकार से अनुदान भी मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। और अभी इस गौशाला जो जिला पंचायत की तरफ से संचालित है, इसको 3 दिन पहले जो नवागत डीएम जसजीत कौर जी आई हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया है। तो गौशाला और छुट्टा जानवरों को लेकर के देखा जाए तो योगी सरकार भले ही बड़े बड़े कदम उठा रही हो, लेकिन कदम ज्यादातर कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। वजह यह है कि इससे किसान काफी ज्यादा से ज्यादा परेशान है। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उसमें देखा जाए कम से कम 11 लाख जानवर ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में छुट्टा जानवर के रूप में घूम रहे हैं। और जो आज की डेट में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं सड़कों पर, तो इन्हीं छुट्टा जानवरों की वजह से हो रही है। तो आज हम यहाँ पे अमहट स्थित गौशाला, जो गो संरक्षण केंद्र बनाया गया, ये पहले काजी हाउस के नाम से जाना जाता था, तो ये इसको जो है जिला पंचायत ने मूर्त रूप देते हुए बेहतर बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे दो दो स्टाफ काम भी करते हैं, दिन में करते हैं, रात में करते हैं। उनके पास ये जिम्मेदारी है कि जानवरों की देख रेख करें और सारी व्यवस्था दें। तो यहाँ अभी जो हमको मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ स्थितियां ये है कि सारे जानवर हैं, तो कुछ जानवर इसमें काफी कमजोर से भी दिख रहे हैं। और इन कमजोर के साथ साथ ही जो दिख रहा है, पानी लगातार चल रहा है, पानी की व्यवस्था दिख रही है। और जहां तक अब भूसे की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि प्रत्येक जानवर पर सामान्य जो ग्रामीण का भी व्यक्ति जो है, यदि कोई जानवर की देख रेख करता है तो उसको 900 रुपये पर मंथ देने की प्रत्येक जानवर पर व्यवस्था है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ के हौद जो बने हैं जिसमें जानवर अपना चारा खाते हैं, उनकी देख लेते हैं क्या स्थितियां हैं। और अब ये तो जो ये बनी हुई है चहरी जिसे हौदी हम कहते हैं, तो ये अभी तो फिलहाल खाली है, जानवर खा करके धूप में बैठे हुए हैं और दो तीन जानवर अभी खा भी रहे हैं। लेकिन जो यहाँ खिलाने और देख रेख की व्यवस्था करते हैं, अभी उनसे जानते हैं कि कितनी देर पहले आपने पानी पिलाया था और क्या क्या खिलाया है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में जो रात्र में ड्यूटी देते हैं वो मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वाहिद। आपकी ड्यूटी कितने बजे तक रहती है? शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक सर। सुबह 8 बजे, तो रात में शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या चारा क्या व्यवस्था है? सर शाम को खिलाया जाता है, पानी भरा हुआ है, खुद जाके पीते हैं और भूसा रहता है उसमें चूनी और पशुहार रहता है शाम को। अच्छा, सुबह भी वही रहता है? सुबह भी। और आपकी ड्यूटी दिन में है? हाँ। क्या नाम है आपका? जगजीवन। जगजीवन, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो इस टाइम सुबह जब आप 8 बजे से ड्यूटी पर हैं, 6 बजे आते हैं? 6 बजे आते हैं। हाँ। तो अभी तक चारा आपने कितनी बार दिया है जानवरों को? चारा भाई जैसे कहे हैं सब खिला रहे हैं। कितनी बार? कुछ आप आज का हमको बताइए, रोज का ना बताइए, आज वाला बताइए। एक बार देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं। तो हरा चारा तो आपने दिया नहीं अभी तक? नहीं, हरा चारा में नहीं आया है, लेकिन आता है। अच्छा, कुल कितने जानवर है यहाँ पे? यहाँ 27 जानवर है। 27 जानवर, जिसमें गाय और बछड़ा दोनों मिला के। अच्छा, तो ये हरा चारा कब खिलाते हैं? जैसे रोज एक बार तो देते ही ना? जैसे सर की अपने पास तो हुआ है नहीं, जैसे दान लाते हैं, आज नहीं लाए हैं, रोज आता है, जितना आ जाता है, कोई एक कुंटल लाता है, कोई 85 किलो लेके आता है, रोज आता रहता है। हरा चारा इस तरीके से दिया जाता है, बाकी जो भूसा और अपने दाना है वो अपने तरफ से। अच्छा, ये जो जैसे आपने बताया कि यहाँ के प्रभारी जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र सिंह हैं कि? हाँ, जितेंद्र सिंह जी हैं। तो ये है कि पहले उनसे पूछकर ही इसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो क्या ये निर्देश है जैसे अधिकारियों का भी है कि जितेंद्र सिंह ने ही दिया? अब सर बताए हैं कि कोई भी आए तो मेरे को अपना इत्तला कर दिया करो, तो उनको भी जानकारी हो जाती है, जैसे हम बताए हैं उसी हिसाब। 3 दिन पहले जब डीएम साहब आई थी
तो आए थे तो नहीं थे उस समय क्या व्यवस्था अच्छी थी, चारा वगैरह था? हाँ सारा। तो ये पहले से पता था डीएम साहब आ जाएंगे? नहीं नहीं कोई पता नहीं था। अच्छा वो इंचार्ज है, रोज आते हैं एक बार देखने आते हैं ये जिला पंचायत में? जी जी जिला पंचायत में, जैसा कि आपने बताया। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग महीने भर से ड्यूटी कर रहे हैं, वेतन वगैरह सब समझ मिल रहा है या नहीं? सब मिल रहा है। इस महीने पिछले महीने मिल गया? कितना रुपए पाते हैं आप लोग महीने? 7,500। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम दो लोग मिल करके दिन और रात मिला करके देख रेख करते हैं, तो और आपको दिखा दें, आज की तारीख की मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है। बाकी आप लोग जो स्टाफ काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई तिनका आपको हरे चारे का नहीं मिला है। हरे चारे की स्थिति यह है कि कोई न कोई लाकर देता है, उसकी खरीदारी संभवतः आपके स्तर से नहीं होती है, या हो सकता है मद हो या जो भी हो, उसकी ज्यादा जानकारी इनको भी नहीं है। लेकिन यह है जो इस समय जो स्थितियां हैं, ये 27 जानवर हैं, पानी वाली पी करके चारा खा करके सब लोग बैठे हुए हैं। और थोड़ा कुछ क्या एक आध जानवर इसमें बीमार तो नहीं है? नहीं, 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 नहीं। के कोई बीमार जो कौवा वगैरह टहल रहे हैं उससे घायल हो जाए? आ गए हैं सर, बाकी ऐसा नहीं है, कोई बीमार नहीं। अभी मैं इनसे कोशिश वो भी जानने की कोशिश करता हूं कि ये कहां चारा रखा गया है, उसको भी हमें ये दिखाएं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरकार की योगी सरकार की यह योजना बहुत ही बेहतर है। इसके माध्यम से आवारा पशुओं की देखरेख भी होगी, साथ ही गौ सेवा करने का हमको एक अवसर भी मिलेगा। यही नहीं, अभी हाल में जो बजट पास हुआ है उसमें करोड़ों रुपए का बजट इसकी स्वीकृति मिली है, सारी चीजें हैं। और यही नहीं, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत भी इस गौ संरक्षण केंद्र को शामिल करने की योजना है। उसके जरिए ये होगा कि गोबर की भी बिक्री होगी, मूत्र की भी बिक्री होगी, और भी कई ऐसे चीज है जो तैयार करके बेचा जाएगा। इससे जो लोग इसकी रखवाली करेंगे, देख रेख करेंगे, उनको भी कम से कम इससे अच्छा खासा मुनाफा होगा। बसरते ये है कि इसकी शुरुआत कब होगी, बजट पास हो गया है, MOU पे हस्ताक्षर भी हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ अखबारों में और चैनलों के जरिए ये भी दिखाया गया था कि यहाँ लगभग 750 करोड़ रुपए का व्यवसाय करने के लिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरफ से जो मीटिंग हुई थी, 750 करोड़ का यहाँ का लक्ष्य दिया गया था, और यहाँ उसके सापेक्ष 3 से 3.5 गुना लक्ष्य यहाँ के लोगों ने अचीव किया है कि मुझको करना है। लेकिन बहुत सी ऐसी शिकायतें भी मीडिया में इस तरह भी आई हैं कि लोगों ने MOU पर कब हस्ताक्षर कर दिया, उनको भी जानकारी नहीं है। बहुत जगह ऐसे विवाद है, वहां के विवाद को अभी तक वो योजना को लॉन्च करने के लिए वहां के SDM तक उसको शॉर्ट आउट तक नहीं करा पाए हैं। फिलहाल जो भी योजना है, जैसी भी योजना है, एक ये गो संरक्षण केंद्र गौशाला जो अमहट का है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और ये यहाँ की स्थिति तब है जब 3 दिन पहले नवागत DM जसजीत कौर जी स्वयं आके देखी थी। अभी मेरी यहाँ के प्रभारी जितेंद्र जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि स्पष्ट DM के यहाँ से निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को या मीडिया को, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको जानने जा रहा हूं। हमने कहा चलिए ठीक है, मैं DM साहब से इस संदर्भ में बात भी कर लूंगा, लेकिन इस तरह की यदि अच्छी व्यवस्था कही हो, गौशाला से रिलेटेड हो या और कोई हो, इसको देखने से या दिखाने से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। यह इस पर किसी तरह की रोक लगाना मेरे ख्याल से पूर्णतया अनुचित है। आइए इनके जहां पे ये भंडार है, जहां पे चूनी चोकर या भूसा रखा गया, उसको भी आपको दिखाते हैं क्या स्थित है। ये इनका चूनी चोकर रखने का एक भंडारण गृह है, गोदाम है, जहां पर ये व्यवस्था की गई है। भूसा तो पर्याप्त मात्रा में रखा गया है, भूसा की कमी नहीं है, पूरा रखा गया है।
और चूनी चोकर भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अच्छा, चूनी चोकर की व्यवस्था और अन्यत्र रखा गया ये है, बस केवल ये है कि जानवरों के लिए कम से कम जो है एक हरा चारा उसकी भी व्यवस्था हम चाहेंगे जिला पंचायत को करनी चाहिए। बाकी यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके शौचालय और ये सारी चीज की भी व्यवस्था है, तो ये चूनी चोकर की भी आपको दिखाते हैं। और यही नहीं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो टिन शेड लगाए गए हैं, टिन शेड तो पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभी तो 27 जानवर हैं, उसके सापेक्ष भी सारे जानवर एक तरह से बैठे तो पूरी उतनी जगह नहीं है छाए में बैठने की, कुछ जानवर धूप से जो है इसीलिए हांफ भी रहे हैं। अब ये लोग जो काम करते हैं वो लोग प्रयास करेंगे साइड में बैठाने, या धूप लगती है ज्यादा तो खुद ही वो छाए में चले जाते हैं, वो खुद ही जाते हैं। लेकिन ये दो लोग जो दिन और रात काम करते हैं, लोग मुस्तैदी से यहाँ मिले हमको जानवर ये बना है। इसमें जो स्टाफ हैं, जो यहाँ एक स्टाफ रहता है उनका परिवार भी रहता है, इसी में चूनी चोकर की कुछ व्यवस्था की गई है, जो 5-6 बोरी 7 बोरी की व्यवस्था दिखाई दे रही है, इसके जरिए खिलाते हैं। क्या इसमें कुछ दुधारू पशु भी है क्या? नहीं, कोई नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, सब छुट्टा है, कोई दुधारू पशु नहीं है। नहीं तो आप लोग और भी ख्याल करते, कम से कम दूध भी मिलता है, दूध भी मिलता कम से कम खाने को। तो ये गो आश्रय केंद्र जो बना है काजी हाउस अमहट, ये जो है हमने आपको एक दिखाने का प्रयास किया।